हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय माइनक्राफ्ट सीरीज। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि बहुत 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 मेहनत करके हम दो डायमंड ले ही आए थे, लेकिन वो मैंने वीडियो में मतलब दिखाई नहीं दी। तो अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ ओके, तो मैं पिछली बार आपने देखा कि मेरे पास दो डायमंड थे, और लेकिन अभी मेरे इन्वेंट्री में 5 डायमंड है, बिकॉज मैंने थोड़ी मेहनत करके 5 मतलब 3 और डायमंड मेहनत से कमा ली। आज की वीडियो में मैं डायमंड की पिकैक्स और अपना एन्चेंटमेंट रूम बनाने वाला हूँ। तो समझ रहे हो भाई, तो आज बहुत बढ़िया दिन है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डिस्पेंसर, 6-6 डिस्पेंसर चाहिए होते हैं। तो 6-6 डिस्पेंसर मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली भाई, बहुत, लेकिन बहुत मेहनत से मिला भाई रेडस्टोन। लेकिन रेडस्टोन मिला तो मिला, लेकिन बहुत मिला भाई, हद से ज़्यादा मिल गया रेडस्टोन मेरे को। मैं दिखाता हूँ, रुको, रेडस्टोन तो मिल गया था, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल था। एक मिनट, मेरे पास कहाँ है, ये देखो भाई, 5 डायमंड और मेरे पास 51 डायमंड। भाई माइनिंग पे गया हूँ तो भाई 51 डायमंड तो यू मिल गया भाई मेरे को। और आज की वीडियो में मेरे को बहुत सारे वाटर बकेट भी चाहिए होंगे, कम से कम 6 वाटर बकेट चाहिए। तो सब कुछ बनाते हैं पहले, तो उसके लिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल ओपन कर लिया है। और कितने बकेट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बकेट बन गए। और 6 बकेट से हमें और क्या बनानी थी, यस रिपीटर बनाना था। रिपीटर कैसे बनता है देखना पड़ेगा। ओके, रिपीटर बनता है बीच में एक रेडस्टोन, 3 स्टोन और 2 साइड रेडस्टोन टॉर्च। रेडस्टोन टॉर्च बनेगा ऐसे, 2 रेडस्टोन टॉर्च तो बन ही जाएगा इजीली। स्टिक भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इधर से स्टिक को क्राफ्ट कर लेता हूँ। 2 चाहिए बस, 1, 2 मिल गई। और मेरे को रेडस्टोन चाहिए, उसके लिए मेरे पास स्टोन भी होना चाहिए ना। स्टोन कॉबल स्टोन से मिलता है शायद से, स्टोन इतना तो पता है भाई मेरे को। कोल किसी में नहीं, कोल नहीं पड़ा है क्या, कोल क्या किसी में भी नहीं पड़ा। एक मिनट देख लेता हूँ कोल किसी में पड़ा है कि नहीं। इधर पड़ा होगा ना कोल थोड़ा बहुत, ये रहा, मुझे पता है भाई माइनिंग के लिए गया था भाई, इधर कोल पड़ा है। हो गया, अब हम ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद अपना फार्म बनाते हैं। नहीं फार्म नहीं, स्टोन बनाने मेरे को तो फिलहाल तो सबसे पहले, बिकॉज स्टोन से हमें बनेगा, हमारा बनेगा रेडस्टोन रिपीटर। रेडस्टोन रिपीटर स्टोन, ये रहा, कोल डाल दिया और स्टोन भी डाल दिया। ये क्या हुआ भाई, ये पकता नहीं क्या लास्ट फर्नेस से। इवन कॉबल स्टोन तो जब पकता है भाई, ऐसे कैसे नहीं पकता भाई, भाई फर्नेस से पकता है भाई, ब्लास्ट फर्नेस में दिक्कत ही क्या थी। इट्स हर चॉइस। तो ऊपर तो देना हो रही भाई, सो भी नहीं सकता मैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैं अपना चेस्ट रूम थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिकॉज देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने पिछले में दिखाया था कि मैंने इस चेस्ट को इसके अंदर घुसेड़ दिया था, लेकिन अब मैंने ठीक कर दिया। इधर स्टोन लगा दिया और इधर 3 चेस्ट, इधर 3 चेस्ट, इधर 3 चेस्ट, और ऊपर ग्लास लगा दिया बिकॉज ये वाला खुलने के लिए। चलो, और अभी तक कितने पके भाई, 3 तो पके हो गए होंगे। ओके, 3 हो चुका है, 3 अपने पास लिख देता हूँ। अब एक रेडस्टोन रिपीटर बन जाएगा बस, अब एक रेडस्टोन रिपीटर से हमारा हो गया पूरा काम। और भाई कोई अच्छा फैंसी ब्लॉक चाहिए भाई लगाने के लिए। फैंसी ब्लॉक के लिए मैं स्टोन को ही पका लेता हूँ। स्टोन को पकाने के बाद फिर, नहीं एक मिनट, इससे कॉबल स्टोन बनेगा। छोड़ो छोड़ो भाई, कॉबल स्टोन से बना लेते हैं भाई, इतना भाई मेरे पास कोल भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि भाई कॉबल स्टोन को स्टोन में कन्वर्ट करूँगा, फिर स्टोन से फिर स्मूथ स्टोन। इतना भाई करने के लिए भाई मेरे पास इतना सारा है भी नहीं। तो मेरे को ये सब करने के लिए मेरे को शवल चाहिए होगी। शवल भी भाई मेरे पास आयरन की है भाई, टेंशन क्यों लेते भाई, मेरे पास सब कुछ है। मुझे इधर अपना पटैटो भी लगाना था, पटैटो भी लगाना है। तो उसके लिए मेरे को विलेज ढूंढना पड़ेगा। विलेज देखते हैं कब ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढेंगे जल्दी, बिकॉज उसी से अपना एक्सपी फार्म भी बना सकते हैं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, खाना खाना है भाई, भूख लग रही है।
खाने के लिए नहीं क्या भाई मेरे पास? क्या बात कर रहे हो भाई, खाने के लिए कहीं ना कहीं तो होगा। इधर भी नहीं है, नहीं भाई नहीं है। तो मेरे पास जो 5 डायमंड है तो उसको मैं अपने इन्वेंटरी में रख के एक वो बना लेता हूँ फटाफट, क्या बोलते हो उसे, डायमंड की पिकैक्स जो कि बनती है ऐसे। एक मिनट, ओके। ओ भाई साहब डायमंड की पिकैक्स, भाई साहब चलो आ गई डायमंड की पिकैक्स अपने हाथ में। ओ वाओ, अब मेरे को वो लेना है ऑब्सिडियन। अभी 4 ऑब्सिडियन चाहिए मेरे को, 4 ऑब्सिडियन के बाद चाहिए बुक एक, उसके बाद बन जाएगी अपनी एन्चेंटमेंट एरिया जो हम इस साइड बनाएंगे। उसके बाद मेरे को आयरन के ब्लॉक थे ना मेरे पास, हाँ पिछली बार मेरे पास 2 आयरन के ब्लॉक भी थे, वो पता नहीं मैंने किस एक चेस्ट में रखा है, उसे भी बाद में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फार्म बनाने जाते हैं जो ऊपर ही है। पिछली बार मैंने ये चीज़ दिखाई नहीं थी कि मेरे पास 2 आयरन के ब्लॉक है, लेकिन थे भाई मेरे पास थे। तो मेरे को 6 डिस्पेंसर लगाना ना, डिस्पेंसर के लिए ये रहा ना डिस्पेंसर, डिस्पेंसर लगाने के लिए एक लग जा भाई, 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या हो गया? अरे भाई लग जाना भाई, क्या दिक्कत है? ओके हो गया, 6 डिस्पेंसर हो गया। और इधर के इतने सब खाली पड़े हैं तो सोच रहा हूँ इधर भी डिस्पेंसर लगा लेना चाहिए भाई मेरे को, लेकिन भाई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो रात हो गई, मैं रात में काम नहीं करता तो सोएंगे जाके फटाफट, रात में काम करने से आंखें काली हो जाती भाई। जाते हैं इधर, एक और सुनहरा दिन माइनक्राफ्ट में। तो मेरे को क्या करना था, यस मेरे पास रेडस्टोन जो पड़ा है, कॉबलस्टोन है तो मेरे पास है ना भाई, है भाई है। तो इधर से मेरे को अभी ऊपर जाना है फिलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ इधर एक घर टाइप का बना दो। अबे भाई 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 जाना था नहीं, मैं इधर मैं सोच रहा हूँ कांच का घर जैसे बना दूँ कि मालूम पड़ेगी इधर से मेरा एंट्रेंस है, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को इन सब को हटना, भाई 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 एक मिनट, यार क्रीपर को क्या दुश्मन है भाई, तो रुक मैं तेरे को मार के रहूंगा भाई, ऐसे छोड़ दूंगा भाई। चलो भाई इधर फूटा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो मेरे को अभी बहुत सारे डर्ट चाहिए, कोई बात नहीं भाई क्रीपर फूट के गया भाई, हमें डर्ट साथ में देके गया है। चलो इधर थोड़ी बहुत गाय मार के लेदर लेना भाई तुम लोगों से मुझे बहुत सारे लेदर चाहिए, नहीं बहुत सारे नहीं एक ही चाहिए, और उसके बाद शुगर केन चाहिए। शुगर केन पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक मिनट भाई सामने ही है शुगर केन, तो फिर और कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्पेंसर कैसे बनता है भाई, उसके लिए बीच में बोर रखनी पड़ती है और वो मेरे पास है नहीं। मैं पहले ये सब कुछ काट लेता हूँ ना एक बार में, उसके बाद देखते हैं भाई फार्म कैसा बनेगा। Years later. तो मैंने अपना सारा वीट काट लिया है, और काटने के बाद मेरे पास टोटल कितना वीट है, 64 प्लस 49 प्लस 64, मतलब 64 दो स्टैक है और एक 49, और कितने सारे भाई, कितने सारे मिल गए भाई एक ही बार में। तो जितने मिले चलता है भाई, तो उस पहले शवल लेके आते हैं, मेरे पास आयरन का शवल भी है और हो भी है, तो दोनों। मेरे पास जितने भी वाटर बकेट है उन सब में पानी भर लेता हूँ पहले, तो बिकॉज सारे वाटर बकेट चाहिए भाई मेरे को। मेरे बकेट में पानी भर लिया है, ये देख ही सकते हो भाई, 6 बकेट नहीं 7 बकेट हो गए, बिकॉज मेरा एक बकेट है ना इसीलिए।
तो सबसे पहले इन सबको रहने देते हैं भाई। मेरे पास डर्ट है ना भाई, है डर्ट, है डर्ट को इधर लगाएंगे, और जिस जहाँ जहाँ पानी है उन सब में डर्ट लगा देंगे भाई। ओके हो गया, इधर भी खाना बना लेता हूँ फटाफट। कितने ब्रेड बनेगी? 59 ब्रेड भाई, बहुत है भाई, 59 ब्रेड भी बहुत है। फटाफट ब्रेड खा लेता हूँ भाई। भाई बार बार बेक ब्रेड क्यों दिखाते हैं भाई? ओके इधर ये ड्राउंड है भाई, ये जॉम्बी है भाई पानी वाला। इधर इसमें थोड़ा बहुत डर्ट उठा लेता हूँ फटाफट, जितने भी डर्ट है वो सब उठा लेता हूँ। थोड़े बहुत चाहिए फिलहाल तो, बिकॉज इन सारे पानी को कवर करना है मुझे। फर्स्ट में इतना वो नहीं करना चाहिए था भाई, इतना बड़ा फार्म नहीं बनाना चाहिए था भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म बना दिया मैंने। ये कहाँ है? ओके ओके, और इन सबको मेनली कवर करना है बिकॉज इधर तो अपना फार्म रहेगा। अभी मेरे को टोटल कितने चाहिए? दो, चार, चार मतलब छह चाहिए, और छह उठा लेता हूँ फटाफट इधर से। चार है और दो इधर है, चलो हो गया। इसको तो कोई काम धंधा नहीं है, अपने पानी में मस्त मगन रहता है। इधर एक लगाना है, और उसके बाद इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, और इधर एक। चलो अब इन सबको वो कर लेते हैं फार्म। चलो अब इसके बाद मेरे को ब्लॉक्स लगाने हैं। इधर रहेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये आठ हो गया, और इधर लगेगा आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ज़्यादा लग गया, एक एक ज़्यादा लग गया। ओके इधर भी लगाना पड़ेंगे मेरे को, बिकॉज़ इधर इधर किस लिए रहता है वो मैं बता दूंगा, एक मिनट। ये आठ ब्लॉक्स हो गए ना? हाँ ये बराबर है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। और मेरे को और क्या चाहिए था? यस, इस साइड, इस साइड भी हमें ऐसी डिगिंग करके लगानी है। नहीं, इस साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई मेरे को एक मिनट, पानी डालने के बाद लगाना था भाई, मैंने गलती कर दी भाई। पानी डालने के बाद लगाना है इधर स्टोन्स। हो गया, चलो इस साइड हो गया। अब इस साइड ब्लॉक लगा दे लेते हैं, एक, दो। भाई एक मिनट भाई, यार चलो हो गया। चलो चलो अभी इधर आठ ब्लॉक तक लगाने जाना है इधर। ये सात हो गया, ये आठ, ये आठ ब्लॉक हो गए, और इधर भी वही करना है जो सेट किया, पानी डालना है इधर। ओके ये आठ ब्लॉक हो गए, अब मेरे को नीचे की ओर बनाना है। तो वापस एक ही एपिसोड में दूसरा दिन, और आज इसी दिन में मैं कंप्लीट कर ही दूंगा भाई अपना ये ऑटोमेटिक वीट फार्म, और मैं दिखा भी दूंगा भाई कैसे वर्क करता है भाई। ओके मैंने इधर आठ ब्लॉक, जैसे ही मैंने बोला था कि आठ ब्लॉक लगा के उसमें कर देंगे, इसे कर लेता हूँ, और इन सबको फार्म वापस से कर देता हूँ भाई। अरे भाई क्या था? यार यार मैं हाँ बताऊँ भाई, मैं जिंदगी झंडे भाई, भाई क्रीपर आता कहाँ से भाई? मेरा पूरा फार्म
इतना कैलकुलेशन से कर रहा था ये, बीच बीच में ये क्रीपर जो आ जाता ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, इस क्रीपर का कुछ करना पड़ेगा भाई। ओके इधर हो गया, और मेरे को कॉबल स्टोन लगाने, इधर कॉबल स्टोन के लिए एक इधर 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 और इधर। चलो अब फाइनली हो गया भाई। भाई मैं बार बार बैठ क्यों रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा भाई। इधर एक, इधर 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 तो इधर इधर से क्या होगा मैं मेनली दिखा देता हूँ। इधर आपको एक ब्लॉक डिग करना है। ओके अब मैं बता दूँ क्या होगा इससे। देखो जब आप लोगों को पता होगा कि 8 ब्लॉक, जब मतलब एक पानी की बकेट 8 ब्लॉक तक बहते हुए जाती है, मेनली इसमें क्या होगा कि हम एक लीवर होगा उस साइड, उसे फ्लिक करते ही इससे इसमें जो हम पानी रखेंगे वो पानी बहते हुए आ जाएगा, और जिधर जितना भी इधर वीट लगा होगा वो सब बह के मतलब टूट के इधर आ जाएगा, और इधर इधर नॉर्मल रुकेगा तो नहीं, और वो 8 ब्लॉक बाद उसके आगे नहीं बढ़ता 8 ब्लॉक के। लेकिन अगर हम एक ब्लॉक डिक कर देते हैं उस, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो पानी जो होता है वो नीचे आ जाता है, फिर वो पानी भी बह के 8 ब्लॉक तक जाएगा, नहीं 8 या 6 ब्लॉक तक जाता है भाई, 8 हाँ 6 ब्लॉक तक जाता है। मेरे को हॉपर भी बनाना पड़ेगा भाई, मेरे को हॉपर बनाना पड़ेगा। हॉपर के लिए मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा, और इधर से मेरे को आयरन लेना है, हॉपर बनाना है। आयरन आयरन इधर है नहीं, आयरन मेरे पास ही है। और हॉपर कैसे बनती है, हॉपर आयरन से ही बनता है ना, हॉपर कैसे बनता है, एक चेस्ट और उसके 5, तो मेरे को कितने चाहिए होंगे, 6। ओके 30 आयरन में हो जाएगा भाई, और मेरे पास 30 तो है ही नहीं, मेरे पास तो 28 ही है। माइनिंग करने जाना पड़ेगा भाई, उसके लिए मेरे को चाहिए होगा चेस्ट, मेरे को 6 चेस्ट लगाने, 6 चेस्ट चाहिए होंगे, 6 के लिए मेरे पास वुड भी कम है। हाँ जितना होता है उतना बना लेता हूँ फिलहाल, तो चेस्ट ओके, एक चेस्ट, दो चेस्ट, 3 चेस्ट, और तो नहीं बनेगा, बस 3 चेस्ट बनेगा, मतलब 3 हॉपर भी बनेगा। देखते हैं और थोड़ा वुड काट के लाते हैं, 3 हो गया ना, और 3 चाहिए। ओके अब भाई हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, फार्म बस फार्म करना है, ऊपर वाला फार्म तो सूखा है नहीं है, और ये नीचे वाला फार्म भी, ये क्या हुआ, तो सूखा सूखा हो रहा है भाई, कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो दिक्कत हुई है भाई, जो भी दिक्कत हो कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं डायरेक्ट अपना काम करने। मेन काम जो है, मेरे को 6 के 6 बकेट में पानी भरना है, और उस बकेट से क्या होगा मैं बताता हूँ, एक मिनट, जैसे पानी भर लिया, और ये जो बकेट है इसको कुछ नहीं करना, सारे इसके अंदर डालने हैं। अब मेरे को रेडस्टोन बिछाना है इधर, रिपीटर 2 के बाद लगा देना, 1 2 इसे लगा लेता हूँ रिपीटर, 1 2 ये सब अब बस रेडस्टोन का काम है, बस इधर अपना लीवर लगेगा। तो अब मेरे को लीवर बनाना है, लीवर कैसे बनता है भाई, ये रहा क्राफ्ट लेवल भी ऊपर ही है, लीवर 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 कैसे बनता है भाई। ओके एक लीवर को इधर लगाना है, अब देखते हैं काम कट रहा है कि नहीं। बस आपको एक ये लीवर ऐसे करना है, और ये पानी ऐसे आएगा, ये क्या हुआ, तो नीचे बह के आना चाहिए, तो मैं देखो देखो भाई क्या करना है, इधर ये यहाँ पर रुक गया, तो इधर और थोड़ा काट देता ना, पानी ये 8 ब्लॉक के बाद रुक जाता है, तो ये ऐसा हुआ, तो आपको इधर एक और डिक करना है, एक ब्लॉक और,
इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ओके हो गया। अब मेरे को हॉपर लगाने हैं, हॉपर ये रहा। और अबे अबे भाई ये कौन है भाई? तो छोटू ये पिछली बार भी आके ट्रैकिंग कर रहा था। ओके हो गया। अब मेरे को इधर लगाना है। छोड़ो भाई, रात में काम करना बहुत बेकार है भाई। इन लोगों को भरोसा नहीं, कभी मार देंगे आके। ये ब्लॉक डिक क्यों किया है मैं ये बताता हूँ। पानी यहाँ तक आके रुक जाता है, एक मिनट, पानी यहाँ तक आके रुक जाता है। तो मेरे को इधर हॉपर लगाना है, और ये हॉपर आपस में कनेक्टेड रहने चाहिए भाई। ये इधर से कनेक्टेड रहेगा, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अबे भाई ये ऊपर कहाँ लग गया भाई? ये क्या हो भाई, हॉपर मिला क्यों नहीं? अबे हॉपर मिला क्यों नहीं? पिकैक्स से तोड़ने से हॉपर मिलता नहीं है क्या? ओके इधर लग गया। ये चीज़ समझ में नहीं आई भाई, ये क्या हुआ? ये मेरे साथ है अभी, ये भी मेरे साथ हुआ क्या? हॉपर को एक्स से तोड़ते हैं क्या? नहीं, एक्स से भी नहीं टूटता, ये तो शॉर्ट से भी नहीं टूटता, होल से भी नहीं टूट रहा ना, शवल से भाई। ये तो पिकैक्स से टूटेगी, ये तो भाई गायब ही हो गया। ये तो डायमंड की पिकैक्स से टूटती है शायद से, पता भी नहीं भाई किससे। क्यों टूटी भाई, क्यों नहीं मिली भाई मेरे को? और ये स्पाइडर आके भाई हरदम मेरे छत पे। अब मेरे को ये भी तोड़ना है, ये भी तोड़ना है, और ये भी तोड़ना है। अब ये किस लिए किया वो भी मैं बता देता हूँ भाई। बिकॉज ये इधर रखेंगे अपना चेस्ट। मैंने अपना हॉपर गलत लगाया क्या भाई? एक मिनट, मेरे को इन सबको चेस्ट से कनेक्ट करना था भाई। अब इन सबको तोड़ना पड़ेगा। अबे भाई इस टाइम मिला, इस टाइम, अरे एक मिनट भाई, उस टाइम। अब मेरे को समझ में आया भाई, मैंने हॉपर तोड़ा भाई, वो मिला भी, लेकिन वो किसी एक हॉपर में रह गया भाई, किसी एक हॉपर में पड़ा हुआ है वो। अब देखो तोड़ूंगा, किसी एक में मिलेगा। देखो देखो वो लास्ट वाले हॉपर में पड़ा हुआ था मेरा। अब देखो सात सात हॉपर पड़े हैं। अब मेरे को इन सबको चेस्ट के साथ कनेक्ट करना है। ओके इधर हो गया, और लास्ट हो गया। चलो अब पानी जो उधर से बह के आएगा, इधर सारा वीट गिरेगा, और इस वीट से इधर से जाके इधर आ जाएगा। और जब अपने पास पटैटो मिलेगा, जब मतलब हाँ जब पटैटो मिलेगा, तब भाई उस टाइम एक्सपी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बिकॉज पटैटो को मतलब आलू को जब हम स्मोकर में पकाते हैं, तब मेरे को हमको एक्सपी मिलती है। तो अब मैं लगा लेता हूँ इधर सारा। ओके इधर ऑब्सीडियन तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, इधर से उठा लेता हूँ बहुत सारा ऑब्सीडियन। भाई डायमंड के पिकैक्स से भी बहुत बुरा टूट रहा है यार, टाइम लग रहा है भाई टूटने में। चलो इधर से मिल गई दो शुगर केन। चलो बाय बाय। मरना भाई, एक बार मरता क्यों नहीं है? चलो और आज हम मस्त मस्त एन्चेंटमेंट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास वो नहीं है ना लेवल्स। भाई लेवल्स से ये यार, लेवल कहाँ से लाऊँ मैं? मुझे शायद से मुझे पहले एक्सपी फार्म बना देना चाहिए था, उसके बाद बनाना चाहिए था भाई। ओके इस साइड रहे ना। ओके अपने डायमंड पिकैक्स को यूज़ करते ना, कैसा है भाई? नॉर्मल आयरन पिकैक्स है यार ये तो। ओके भाई चलो इधर अपना एन्चेंटमेंट टेबल लगाएंगे। एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑब्सीडियन और बुक चाहिए होती है। बुक कैसे बनती है भाई? ऐसे पेपर बनती है, पहले तीन पेपर, फिर इन तीन पेपर को ऐसे रख के एक लेदर को ऐसे रखेंगे। ओके एक बुक बन गई भाई। बुक की सही में रेसिपी याद नहीं थी भाई मेरे को, मैंने ऐसे ही क्राफ्ट कर दिया, हो गया भाई क्राफ्ट। ओके अब मेरे को पहले डायमंड लाना पड़ेगा भाई। डायमंड तो बस पड़ा ही हुआ है भाई, दो डायमंड, इसके बाद दो डायमंड खत्म हो जाएंगे। ओके इसको ऐसे रखेंगे, ऑब्सीडियन को ऐसे, बुक को ऊपर, एक डायमंड इधर और एक डायमंड इधर। ओके चलो
गया इंचेंटमेंट टेबल भाई मेरा इन्वेंट्री में, हॉर्ड वार में देखो ज़रा भाई कितने सारी चीज़ें हैं। ओके इंचेंटमेंट टेबल को रखते किधर है भाई, मेरे को 15 बुक शेल्स लगानी है। मतलब टिकट इंसान वाली वीडियो में देखा था, टिकट इंसान की वीडियो में देखा था मैंने कि उन्होंने 15 बुक शेल्स लगाई थी, उसके बाद उन्होंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा था। तो कैसे रखते हैं भाई, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भाई 16 ही रहेगी भाई, 15 तो रहेगी नहीं इधर, तो वो 16 ही रखेंगे। सही है लेकिन इसको रखूँ कैसे। यस ट्री फार्म, मुझे ट्री फार्म बनाना है। ट्री फार्म के लिए मुझे बहुत सारा नहीं 4 पिस्टन चाहिए। देखते हैं भाई वो कब बनाते हैं भाई, मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए होगा। मेरे को इस इंचाइंटमेंट टेबल से मेरे को अपनी एक पिकैक्स, ये आयरन वाली पिकैक्स इंचाइंट करनी है। उसके लिए आयरन पिकैक्स को इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे। एक मिनट में पहले ही देख लेता हूँ ये क्या है। एफिशिएंसी 1 अनब्रेकिंग 1 भाई साहब, अच्छी अच्छी इंचाइंट है, एफिशिएंसी तो बहुत भाई अच्छी है। तो मैं ऑब्वियसली सबसे नीचा ले लूँगा बिकॉज ये है एफिशिएंसी 1, ये भी एफिशिएंसी 1 है, तो ये एफिशिएंसी 2 बन जाएगी शायद से। और अनब्रेकिंग भाई ये तीनों लगेगी क्या, इसमें तीनों लगने के लिए मेरे पास कितना होना चाहिए, 3, 2, 5, 5, 1, 6, मेरे पास 6 है क्या, 6 नहीं है। तो मैं 6 लेवल कर लेता हूँ पहले, ये देखना मेरे को स्वॉर्ड पे शार्पनेस लग जाए ना भाई मजा आ जाएगा भाई। अनब्रेकिंग 1 भाई साहब शार्पनेस, मैं सोच रहा हूँ भाई पिकैक्स की ज़रूरत नहीं है अभी। एक मिनट भाई मैं पिकैक्स भी कर सकता हूँ एंचेंटमेंट और स्वॉर्ड को भी कर सकता हूँ भाई, डर क्यों रहा हूँ भाई। मैं पहले पिकैक्स को रख देता हूँ, इसको ऐसे डाल के, ये कितने ही एफिशिएंसी 1। ओके अब हम लास्ट वाले में क्लिक करेंगे और तीनों एंचेंटमेंट एक बार मिल जाएगी। एक मिनट ये क्या हुआ, मैं स्वॉर्ड में एक एंचेंटमेंट लगा लेता हूँ स्माइट। अबे अभी तो शार्पनेस दे रहे थे, चलो कोई शार्पनेस भी है भाई, सबसे ऊपर वाले में शार्पनेस है तो शार्पनेस ले लेता हूँ एक। और एक्स को रख के ये कौन सी एंचेंटमेंट है, स्माइट 1 शार्पनेस 1, और ये कौन सी है, ये भी शार्पनेस 1 है। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें भी शार्पनेस लगा लूँ, एक्स में भी शार्पनेस लगा लेता हूँ एक। चलो अब डायमंड पिकैक्स में कौन सी लगेगी भाई, एफिशिएंसी 1 एंड ब्रेकिंग भाई अभी तो नहीं चाहिए भाई। शवल को देखते हैं, शवल इंचेंटमेंट हो जाए मजे आ जाएंगे। एफिशिएंसी 2 भाई, शवल में एफिशिएंसी 2 दे रहा भाई, उसमें आयरन पिकैक्स में दे देते भाई। अनब्रेकिंग 1 इसके लिए मेरे को 3 लेवल चाहिए ना, अच्छा नहीं 6 लेवल चाहिए, 6 लेवल तो ऐसे ही मिल जाएगा। मैं पहले सोच जाता हूँ ना पहले भाई साहब, आयरन का ब्लॉक किधर छोड़ दिया था मैंने, इसमें भी नहीं है तो खाली है। अबे इसके ऊपर कांच लगाना भूल गया, तभी नहीं खुल रहा भाई। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किधर रखा है भाई। ओके इधर है, इधर 3 आयरन के ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब इससे बनेंगे एनविल, दिखाता हूँ भाई एनविल, इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको ऐसे करके ऐसे। चलो भाई साहब एक एनविल भी बना ली मैंने पेड़, हाँ इस साइड बगल में। और मैं अपनी सारी चीज़ों को रिपेयर कर लेता हूँ फटाफट आयरन इंगट देके सारी चीज़ों को, बिकॉज मेरे पास इतना ही आयरन था बस। भाई यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई, मेरे पास आयरन भी नहीं है। बीट हुआ कि नहीं, ओके पूरी बीट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बीच बीच में ये बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं। बस हमें ये स्लीवर को फ्लिक करना है एक बार, जिससे क्या होगा जितना भी पानी है वो बह के आ जाएगा इधर, और ये सब हॉपर में चला जाएगा। देखो भाई उधर से और बह के आ रहा है भाई, जितना भी हॉपर में चला जाएगा वापस से इस लीवर को फ्लिक करते ही, और ये जो है पानी जो है वो डिस्पेंसर वापस से ले लेगा अपने अंदर, और जितना भी जो वीट है वो आ जाएगा इधर इस चेस्ट के अंदर। देखो आ जा रहा है भाई, अभी भी आ जा रहा है भाई। ये सीड्स तो ठीक है भाई, चलता है भाई, वीट कहाँ है भाई, वीट
है भाई, सब में वीट है लेकिन आ रहा है भाई धीरे धीरे, बस थोड़ा टाइम लगता है आने में लेकिन आ जाता भाई। तो आज की एपिसोड में आपने देखा भाई क्या हुआ भाई हम अपने साथ, हमने अपना एक सुनहरा सा मतलब हाँ सुनहरा ही बोल सकते हो भाई, अपने एक ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाया, बस अपना हमें बस एक लेवर फ्लिक करना है जिससे जितना भी वीट है वो अपने पास आ जाएगा। एक मिनट भाई, अबे एक मिनट जितना भी वीट है वो इधर आ जाएगा। और अपने हमने अपनी एन्चेंटमेंट टेबल बनाई, अपनी डायमंड की पिकैक्स तक बनाई और उसे एन्चेंट भी कर दिया, एक में शार्पनेस लगी है, दूसरे में भी शार्पनेस लगी और एक में एफिशिएंसी वन। अबे मैंने फेंक क्यों दी इसे भाई। चलो तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हो जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मतलब हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हो जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।